देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, सिंपल सा लॉन का सूट पहना है और मुझे ये जो स्लीव्स होती है ना, मतलब मेरी जान है ये स्लीव्स। मुझे हर सूट में इस तरह की ऐसी वाली स्लीव्स ही बहुत ज्यादा पसंद आती है। सिंपल सा लाइट मेकअप किया है, ज्यादा जरूरत नहीं है। ये है फुल आउटफिट, चप्पल भी नीचे जाके पहनूंगी। और ये देखिए घर कितना खाली लग रहा है और बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। ये वाली वॉल भी खाली है, यहाँ भी खाली है। अब यहाँ के लिए हम सोच रहे हैं कि हम टीवी ले लें। लिफ्ट को क्या 7th फ्लोर से परेशानी है, 7th पे कॉल ही नहीं होती होती। तो फ्रेंड्स अब मैं फ्री हो पाई हूँ और अब मैं निकल रही हूँ। भी जो घर की चीजें लेनी थी तो हमने कहा आज लेट हो गया, तो हम पहले मीरा रोड में ही जो सारी शॉप्स है उसको देख लेते हैं, उसके बाद कल हम दूर जाएंगे क्योंकि सुबह से जाएंगे ज्यादा टाइम लग सकता है। दिन भर से बारिश नहीं हुई थी, अभी निकले और अभी बारिश आ गई। बारिश को अलग ही मोहब्बत है। सबसे पहले हम लेंगे सूट केस अपने कपड़ों के लिए। मुझे ये दोनों कलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। पिंक लड़कियां हमेशा ज्यादा पसंद करती हैं, तो मैंने पिंक लिया है। सूटकेस फाइनली मिल गया है, शुरुआत हो गई है तैयारियों की मेरी तरफ से। उसके बाद हम आ गए श्री जैन फर्निशिंग, क्योंकि हमें चाहिए थे वॉलपेपर। पहले हमने सोचा था हम वॉलपेपर नहीं लगाएंगे, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ अपने बेडरूम में वॉलपेपर लगा लूँ, लेकिन जैसा चाहिए वो है ही नहीं। मुझे फ्लोरल प्रिंट का चाहिए था। उसके बाद हम आ गए हैं विजय सेल्स, क्योंकि हमें अपने ड्राइंग रूम के लिए टीवी देखना था। टीवी में काफ़ी ऑप्शंस थे, लेकिन मैंने सोचा अभी पहले एक बार घर पे भी कंफर्म कर लेती हूँ, तो फिर कर लें। तो वॉलपेपर देख लिया, वॉलपेपर जैसा हमें चाहिए था वैसा अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, वो ये बता रहे हैं कि आप जैसा भी शटरस्टॉक से उन्हें फोटो दोगे ना, वो सेम वॉलपेपर आपको बना के दे देंगे। आप अपनी फोटो भी अपने वॉलपेपर पर लगवा सकते हो। बड़ी टीवी 75 इंच। कितना? 75 इंच। कितना बड़ा? तुम बताओ, पैनासोनिक, सोनी या सैमसंग? आजादी कोई नहीं बोलेगा, पढ़ाई करो, कोई नहीं बोलेगा। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। कौन रोकेगा? तुम लोग खींच के ला गया जाएगी। अरे तो आजादी होगी तो कहाँ से रोके? कह रहा था कि शाहरुख भी हमें आजादी मिल जाएगी, हमें कोई डांटेगा नहीं। अरे आजादी नहीं मिलेगी, पढ़ाई उठ जाएगी। आपको जुमा मुबारक, अस्सलामु अलैकुम, सारे दोस्तों को सलाम, अम्मी की दुआएं। सब अच्छे रहो और आप मेरी सूटकेस पैक करा लो। ठीक करवा लो, मतलब सबको अच्छा रहे, सबको पूरी दुनिया में सबको जितने सब और सबको सब, सब नौकरी के लिए बहुत परेशान रहते हैं, तो सबको ये बोलो कि अल्लाह हर एक की रोजी लगा दे। अल्लाह ताला सबकी रोजी लगा, जितने बच्चियां बच्चे जवान जो है सबकी अल्लाह रोजी लगा, इंशाल्लाह यकीन करो लगेगी। बस मेहनत करना, ट्राई करना, हिम्मत नहीं हारना कभी, हर बार जाना, कभी लगेगी इंसान। सही बात फ्रेंड्स। अब जैसे मैंने आपसे कल कहा था कि मुझे आज जाना है, तो मैं रेडी हो गई, अभी निकलने लगी हूँ, वहीं पहुँच के आपसे मिलते हैं। आज हम घर की जो भी जरूरतों की चीजें हैं कोशिश करेंगे कि वो हमें मिल जाए। हम आ रहे हैं, ठीक है, अल्लाह हाफिज बेटी खाना। मेमोरीज। और हम आ गए हैं आइकिया, जो कि है वर्ली में, और अभी हम यहाँ से एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको अपना बैग वैग चेकिंग के लिए देना है, और यहाँ पे है सबसे पहले हम है ग्राउंड फ्लोर पे, और ग्राउंड फ्लोर पे आप देखिए ये बालकनी का एक सेटअप लगाया हुआ है आइकिया में। आपको पता ही है ऐसे ऐसे छोटे छोटे रूम्स के बालकनी के सेटअप लगाए होते हैं, तो मैंने सोचा आपको भी साथ साथ दिखाती जाऊँ, क्योंकि आप लोगों को अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देखना। यहाँ पे भी कुछ कुछ चीज़ें रखी, लेकिन जो मुझे चाहिए वो नहीं देख रही है, तो मुझे हमें ऊपर जाना चाहिए। मैं जा रही हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे, क्योंकि मुझे नीचे एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा, सेंटर टेबल्स भी नहीं दिख रही है। तो अभी हम पहुंच गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पे देखिए बेडरूम के सेटअप लगाए हुए हैं, और ये बेडरूम उनके लिए जिनका प्यारा सा छोटा सा बेबी होगा उनके लिए बहुत ही प्यारा सा बेडरूम है। और ये जो मिरर है ना, ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था, ये मुझे अपने ड्रॉइंग रूम में लगाना था। और ये देखिए जो बेड है, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, अलग अलग बेडरूम के सेटअप थे। और यहाँ पे ये मुझे तो लग रहा था कंबल है, लेकिन बेड स्प्रेड क्या होता है उसके बारे में मुझे नहीं पता, तो मुझे लग रहा है कंबल ही है। ये वाला बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये बाल्टी के साथ ही अलग है। ये है सामने सारा लैंप वाला सेक्शन, आप सबको पता है, आप सबकी सवाल लैम्प्स की कितनी ज्यादा शौकीन है, मुझे लग रहा है मैं सारे लगा लूं। कर देंगे हमको आज यहाँ पे सारी चीज आज मिल ही जाए, मतलब आज पूरा घर जो है वो रेडी हो ही जाए, संभल जाओ, गिर ना जाओ। ये भी अच्छा है,
सेंटर टेबल चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन ये वुडन वाली हमें नहीं चाहिए। जैसे फ्रेंड्स सबकी कोई कमजोरी होती है ना, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, ऐसे लैंप्स और लाइट्स मेरी कमजोरी है, तो जहाँ देखती हूँ वहाँ पहुँच जाती हूँ। ये सोफा भी काफी कम्फर्टेबल था, 24,000 के हिसाब से तो मुझे ये महंगा लग रहा है। ये क्यूट है लेकिन हमारा ये कलर नहीं है। प्यारा सा छोटू सा रूम छोटे छोटे बेबीज के लिए, इतना क्यूट सा रूम है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका बेड, यहाँ पे आपको सारी चीजें, इतनी छोटी सी जगह में कितना सा मतलब हैप्पी हैपनिंग सा रूम बना दिया। यहाँ पे आपका स्टडी टेबल है, अपना काम कर रहे हो लैपटॉप पे। ये मेरे ख्याल से हमें टेरेस का कोई सेटअप लग रहा था। ये मिरर्स हमें डेकोरेशन के लिए चाहिए था लेकिन लास्ट में हमें नहीं मिले। ये सेंटर टेबल हमने ली है, सोफा था वहाँ पे, ये सेंटर टेबल अच्छी लग रही थी लेकिन बड़ी है। कुशन्स थे और कर्टन्स भी थे, कर्टन्स ये वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन ट्रांसपेरेंट था, फिर इसके पीछे भी कुछ डालना पड़ता इसलिए हमने दूसरा वाला लिया है। और ये एक डेकोरेशन के लिए मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, वाइट के साथ पिंक। ये ऑफिस सेटअप है और साथ में ये अच्छा सा बड़ा सा किचन है जो हमें मुंबई में इतना मिलता ही नहीं है। और ये सेंटर टेबल के ऑप्शंस थे। और ये देखो ये इतना सब बोरे में भर के कितना महंगा। और ये ओपन गार्डन के लिए टेबल थी और ये भी बस कुछ जो भी था बहुत ही अच्छा लग रहा था। चलो अभी बिलिंग के लिए चलते हैं। मुझे जो बड़ा सा मिरर चाहिए था वो दिख गया, बस नीचे अवेलेबल होना चाहिए। इसका प्राइस ये है, इसका ये है, एंड दिस इज फॉर 6990। और आप ये देखिए कोई एक वॉल को डेकोरेट करने के लिए कितने अच्छे लग रहे थे लेकिन फिर वही हुआ, अफसोस अवेलेबल नहीं थे। लेकिन चलो कुछ तो अवेलेबल था, ये शेल्फ अवेलेबल थे तो हमने ये दो लिए हैं और यहाँ पे नीचे ऐसे रखे रहते हैं तो हमें यहाँ से ढूंढ के निकालना। तो फ्रेंड्स हमने अपना सामान जो है वो भी यहाँ पे पार्क कर दिया है। भूख लगाई थी तो सोचा पहले कुछ खा भी लेते हैं, यहाँ का कैफेटेरिया भी देख लेते हैं। ये हमने लिया था वेज बिरयानी और साथ में मुझे लेनी थी कॉफी, तो ये कॉफी की मशीन पे देखिए कॉफी जो है ये तैयार है। और अब चलिए बैठ के आराम से खाते हैं। है ना आके अपना खुद यहाँ पे डस्टबिन में फेंकना है, टेबल पे नहीं छोड़ना है। अलग अलग वेस्ट के लिए सेक्शन बना हुआ है और यहाँ पे मैं इसलिए ऐसे बैठी हूँ क्योंकि जो भी पसंद किया था मिरर्स जो थे वो अवेलेबल ही नहीं थे। फिर दिखाए क्यों, मैंने क्या क्या लिया वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो शेल्फ है हमने जहाँ पे हम शूट करेंगे वहाँ के लिए लिए, बाकी रूम से कर्टन तो आएंगे लेकिन एक रूम में एटलीस्ट लगा लेते हैं क्योंकि ऊपर जाते हैं फोटो क्लिक करते हैं कपड़े चेंज करना होते हैं तो कर्टन होना चाहिए। तो ये दो है और इसके साथ ये बहुत ही ऐसे सिंपल, आपको बहुत हल्के हल्के कलर लग रहे होंगे लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद आते हैं। जो सोफे के ऊपर ऐसे तीन फ्रेम्स आएंगे, इसके अंदर हम कोई पेंटिंग लगवाएंगे, वो कौन सी होंगी हम आपको दिखाएंगे। तो ये सोफे के ऊपर ऐसे तीन आएंगे। ऐसे लंबा वाला लैम्प है जो वुडन वाला, वो आप देखिएगा बहुत अच्छा लग रहा था तो ये लिया है। कल इसे हम खोलेंगे और इसमें है सेंटर टेबल। कुछ भी मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ तो उसको दिखाने के लिए ये एक छोटा सा रख लिया है। ऑनलाइन ऑर्डर किए वहीं से फर्नीचर की, वो मंडे आ जाएंगे। मैं तुम्हारी जगह पे कब्जा कर लिया था, अब जाके आप लेट सकती हूँ एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट रिहान, अल्लाह हाफिज़, आई लव यू।